बहन भाई के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व देश भर में 19 अगस्त को मनाया जाएगा। त्यौहार से पहले बाजार अलीगढ़ के सजने लगे हैं और राखियों की धूम मची हुई है। यानी कि बहन अपने भाइयों की कलाइयों को सजाने के लिए लगातार राखियों की खरीदारी कर रही हैं। तस्वीरें पहले एक बार देख लीजिए कि मैं अलीगढ़ के बड़ा बाजार में मौजूद हूँ, यानी कि फर्श बाजार इसको कहा जाता है। यहाँ जो है तमाम राखियों के बाजार जो है सजने लगे हैं। तमाम तरह की नई राखियाँ और फैंसी राखियाँ बाजार में आ गई हैं, जिनको बहनें अपनी भाइयों की कलाइयों को सजाने के लिए राखियों की खरीदारी कर रही हैं। तमाम सारी राखियाँ तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये रोली और चावल की राखियां हैं, जिसपे बाकायदा जो भगवान कृष्ण हैं बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो नई फैंसी राखियां हैं उसके बराबर में मोरपंख की राखी है, जिसकी डिमांड बाज़ार में बहुत है। तमाम ऐसी राखियां जो हैं इस बार बाज़ार में आई हैं जिनकी डिमांड भारी मात्रा में देखी जा रही है। यानी कि दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि कुछ राखियाँ ऐसी हैं जिनकी जो डिमांड है वो भी दुकानदार पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जो माल आया था वो खत्म होने की कगार पे है और लोग लगातार जो बहनें हैं उसकी डिमांड्स करती हुई नज़र आ रही हैं। तमाम सारी राखियाँ हैं, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख लीजिए। और बाकी उसके अलावा अगर बात करें तो जय श्री राम, यानी कि इस समय जब से राम मंदिर का मुद्दा देश में चल रहा है, जब से राम मंदिर बना है, जब से जय श्री राम के तमाम सारे ऐसे सिंबल हैं जो कि लगातार बिक्री किए जा रहे हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक की राखी, यानी कि सोशल मीडिया के ज़माने में, स्मार्टनेस के ज़माने में लगातार जो व्हाट्सएप और फेसबुक है उनकी राखियाँ भी लगातार बाज़ार में धूम मचा रही हैं। बहनें इस तरह की राखियों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं और भाइयों की कलाइयों को सजाने के लिए लगातार इस तरह की राखियों की जो है डिमांड बढ़ रही है। बातचीत करने के लिए जो दुकानदार हैं मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत इन्हीं से करेंगे। किस तरह की राखियों की लगातार डिमांड की जा रही है, किस तरह की राखियाँ बाज़ार में धूम मचा रही हैं, ऐसी कौन सी राखियाँ हैं जिनकी लगातार जो डिमांड्स है, यानी कि बहन जो है अपनी भाइयों की कलाइयों को सजाने के लिए किस तरह की राखियों की डिमांड कर रही हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह की डिमांड इस बार राखियों की बनी हुई है, बाज़ार में किस तरह की राखियाँ आई हैं, कौन सी ऐसी राखियाँ जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में हो रही है? राखियाँ तो सब तरह की आई हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ आती हैं। हर साल ही बहुत अलग अलग करेक्टर आते हैं। इस बार फेसबुक और व्हाट्सएप वाली राखियों की डिमांड ज़्यादा है। और आप कृष्ण जी की राखी देख लीजिए, हिंदुओं के आजकल सिखों के प्रतीक एक ये एक ओंकार वाली राखी है, जिसमें एक ओंकार का चिन्ह होता है, ये सिखों के प्रतीक होती है, इसकी भी राखियाँ बिकती हैं। कुछ गोल्ड मेटल और सिल्वर मेटल की भी राखियाँ आई हैं, जिसमें सिल्वर पॉलिश होती है और गोल्ड की पॉलिश हो रही होती है, और बिक्री बहुत अच्छी है। इस टाइम राखियाँ लास्ट चल रहा है, इस बार राखियाँ जल्दी ही ज़्यादा ख़त्म हो गई हैं, लोगों की डिमांड काफ़ी अच्छी रही है। और फैंसी राखियों के लिए हम माने जाते हैं, काफ़ी सालों से हमारी दुकान है, 40 साल हो गए हमें। जिस तरह लगातार अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में और देश में जय श्री राम का जो उद्घोष है वो लगातार गूंजता नज़र आ रहा है, राम मंदिर का मुद्दा था ख़त्म हो चुका है, उसके अलावा जय श्री राम कह सकते हैं कि राम भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, तो जय श्री राम की राखियाँ भी आपके पास है, किस तरह की डिमांड्स आ रही हैं, बहनें किस तरह राखियों को पसंद कर रही हैं? देखिए, ये आस्था का देश है, हिंदुस्तान एक आस्था से जुड़ा हुआ देश है, यहाँ धार्मिक लोग ज़्यादा वो प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो कृष्ण जी की जैसे राखी होती है, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, मुरली बजाते हुए और मोरपंख की राखियाँ, इनकी डिमांड ज़्यादा है। जय श्री राम मेटल में राखियाँ आई हैं, जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है, तो लोग चाहते हैं, बहनें चाहती हैं कि मैं अपने भाइयों को बहुत अच्छे से अच्छे राखी बांधूँ, जो बिल्कुल अनमोल हो, वो किसी मार्केट में ना ज़्यादा दिखती हो, बहुत मेरे भाई के हाथ पे कलाई पे जो राखी बंधे वो बहुत अच्छी लगे। बताइए, राखी की जो डोर होती है कहीं ना कहीं भाई की लंबी उम्र की आयु के लिए बांधी जाती है, ऐसे में विशेष तौर पे नाम अगर भगवान का और राखी पर जुड़ जाता है तो और ज़्यादा उसका महत्व हो जाता है, तो विशेष तौर पे ऐसी कौन सी नाम की राखी है जिसको बहन ज़्यादा डिमांड कर रही है, या आपके पास भी शॉर्टेज हो गई हो और नया ऑर्डर एक बार लेने के लिए भेजा हो? देखिए, ये तो एक बहनों का प्यार का बंधन है, ये इतनी बहनें प्यार से राखी बांधती हैं और वो चाहती हैं कि मेरा भाई का जो मैं कलाई पर राखी बांधूं वो पूरे एक साल बंधी रहे। जो कलावे की राखी होती है वो मजबूत होती है, बाकी ये ऊन वाले धागे वाले अगर आते हैं इनमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता, टूट जाती हैं। जो कलावे की राखी होती है वो पूरे पूरे साल लोग बांधते हैं। देखिए, मेरे साथ कुछ इनके दुकान पे ग्राहक भी हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ से ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? मैं सासनी से आया हूँ। सासनी से, अलीगढ़ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है सासनी। हाँ, काफ़ी अलीगढ़। ये बताइए, किस तरह की राखी देखने आए हैं, ऐसी कौन सी राखियाँ हैं जो पसंद आ रही हैं, क्या कहेंगे राखी को लेकर? राखी जो अच्छी होती है वही बिकती है, और जो अगर नई राखी आ जाए तो और अच्छा है, नई नई राखी। जिस दुकान पर आप आए, इधर आ जाइए, जिस दुकान पे आई हैं तमाम तरह की राखियाँ हैं, यानी कि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के सिंबल्स की राखियाँ हैं, जय श्री राम की राखियाँ हैं, उसके देव जी की राखियाँ हैं, कौन सी राखी पसंद आ रही है, किस तरह की लेने आए हैं? राखी तो वही जय श्री राम, महादेव, और जो नई नई डिजाइनें आ रही है आजकल वही डिजाइनें चल रही हैं। तो मतलब
दुकान पे बेचने के लिए लेने आए हैं या फिर घर के लिए सिस्टरों के लिए? बेचने के लिए, सेल के लिए लेके आए हैं। देखिए लगा क्या क्या कहेंगे, किस तरह की राखियाँ आपकी डिमांड ज़्यादा है? ये श्री राम वाली जो राखी है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग यही है, क्यों राम मंदिर जो बनाए हैं उसकी ट्रेंडिंग में यही है, क्यों हमारा जो देश है जो अलीगढ़ में जो है जो वो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा जय श्री राम का ही नारा है, सबसे ज़्यादा फैंसी राखियाँ ही बिकती हैं। और स्पेशल ऐसी कौन सी राखियाँ हैं जो इस बार बाजार में नहीं है, बहनें जिनकी डिमांड ज़्यादा कर रही हों? किस एक वो वाली राखी आई है महाकाल वाली, महाकाल वाली राखी सबसे बेस्ट राखी है, क्यों सावन का महीना चल रहा है और सबसे बेस्ट राखी यही है और सबसे प्यारा और ऊपर वाला का यही है, बस ये महाकाल की जो राखी है सबसे बेस्ट है। किस तरह की डिमांड इसकी राखी की आ रही है और बहने किस तरह डिमांड कर रही है? डिमांड इसकी इतनी है MP तक जा रहा है, मालिया से MP राजस्थान सब यहीं से जा रहा, अलीगढ़ से जा रही है। देखिए तमाम यानी कि कह सकते हैं कि ऐसी बहुत सी इस बार ऐसी मार्केट में नई राखियाँ आई हैं जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, यानी कि बहनें अपने भाइयों की कलाइयों को सजाने के लिए तमाम तरह की राखियाँ जो हैं वो खरीदारी कर रही हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी दुकानें हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम देख लीजिए कि ये फट भी लगे हुए हैं, यानी कि ये कह सकते हैं थोक मार्केट है, थोक में लगातार जो राखियाँ हैं वो बिक्री करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, खरीदार भी दूर से तमाम सारे ऐसे खरीदार हैं जो कि लगातार राखियों की बिक्री की जा रही है, लोग लगातार खरीद रहे हैं, यानी कि यहाँ से भारी मात्रा में बहनें जो हैं राखियों को खरीदने आती हैं। उसके अलावा तमाम जो ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से अपनी छोटी मोटी दुकानों को गाँव देहात में बेचने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ से राखियाँ खरीदने के लिए आते हैं। ये बताइए किस तरह की राखियाँ बाजार में है, किस तरह की डिमांड्स आ रही है, बाजार कैसा है अभी? बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है बाजार। अच्छा चल रहा है, तो राखी की डिमांड, त्यौहार अब से कह सकते हैं 5-6 दिन बाद त्यौहार है, किस तरह की डिमांड आ रही है, लोग किस तरह राखियाँ खरीद रहे हैं? हमारा माल आ रहा है, बिक रहा है धड़ाधड़ धुआंधड़, बढ़िया बढ़िया डिमांड से आ रही है और अच्छी आ रही है। हाँ तो बाजार अच्छा चल रहा है या घाटा जा रहा है बाजार में? नहीं सही चल रहा है बाजार, बढ़िया राखी बिक रही है। देखिए तमाम यानी कि दुकानदारों का साफ तौर पर कहना यही है कि लगातार जो बिक रही हैं राखियाँ लगातार बिकती जा रही हैं और उसके अलावा तमाम ऐसी राखियाँ हैं जो कि लगातार बाजार में धूम मचा रही हैं। तस्वीरें एक बार इधर भी देख लीजिए, दुकान है और दुकान पे लगातार जो राखियाँ हैं राखियों की यानी कि बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाइयों को सजाने के लिए लगातार राखियों की खरीदारी करती नज़र आ रही हैं। तमाम ऐसी राखियाँ हैं जिनको लोग खरीद रहे हैं और भाइयों की कलाइयों को सजाने के लिए जो खरीदारी है वो लगातार करती हुई नज़र आ रही है। बातचीत इन्हीं से करेंगे कि किस तरह राखियों की खरीदारी की जा रही है या किस तरह का बाजार है, क्योंकि अब से 19 अगस्त को जो है देश भर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, किस तरह का पर्व मनाया जाएगा, क्या कुछ बातें हैं इन्हीं से बातचीत करेंगे। ये बताइए बहन जी कहाँ से आई हैं राखी खरीदने, क्या नाम है आपका? जी कलाई से। कलाई से, अलीगढ़ से ही? हाँ अलीगढ़ से ही। ये बताइए किस तरह की राखियाँ खरीद रही हैं, क्योंकि लगातार बाजार में बहुत तरह की राखियाँ, किस तरह की राखियाँ पसंद आ रही हैं? स्टोन वाली, स्टोन वाली अच्छी लग रही है हमें तो। स्टोन की राखियाँ, किस तरह की राखियाँ हैं? चलिए बोल नहीं पा रही हूँ, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। माता जी कहाँ से आई हैं राखियाँ उतारने, कहाँ राखी खरीदने कहाँ से आई हैं? क्या अलीगढ़ से। किस जगह से आई हैं? कलाई से। कलाई से, किस तरह की राखी पसंद आ रही है, राखी खरीद रही हैं आप, कौन सी ऐसी राखियाँ जो कि पसंद आ रही हैं, क्या कहेंगी? जी कौन सी वाली हैं? स्टोन वाली राखी, स्टोन की, ज्यादा अच्छी लग रही है, ज्यादा बढ़िया है, और झाके वाली भी अच्छी है। ये बताइए बाजार में फेसबुक इंस्टाग्राम तमाम ऐसे सिंबल हैं जिनकी राखियाँ हैं, जय श्री राम की, महाकाल जी की राखियाँ हैं, उस टाइप जय श्री राम की भी अच्छी हैं, पीढ़ी वाली भी अच्छी हैं, पीढ़ी वाली। तो त्योहार मनाया जाएगा, भाइयों की कलाइयों को सजाने के लिए राखियों की खरीदारी की जा रही है? जी जी हाँ, में लगातार जो है बहनें अपनी भाइयों की कलाइयों को सजाने के लिए राखियों की लगातार खरीदारी कर रही हैं। तमाम ऐसी राखियां हैं जिनकी डिमांड लगातार मार्केट में बढ़ रही है, यानी कि दुकानदारों का कहना है कि जय श्री राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जय महाकाल, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी राखियां हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और माल शॉर्टेज भी है, यानी कि दोबारा दुकानदारों के द्वारा ऑर्डर दिए गए हैं माल मंगाने के लिए। फिलहाल देखने वाली बड़ी बात होगी कि आखिरकार अब जो राखियां हैं वो किस तरह की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है और लगातार राखियां जो हैं वो बेची जा रही हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं अभिनय मातु, सिस्ट यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे।